हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि अब अगर हमारे होंठ कभी कभी बहुत ही ज्यादा काले दिखते हैं तो अपने होंठों को नेचुरल तरीके से कैसे पिंकिश ग्लो दे सकते हैं। जिसके लिए हम यहाँ आज कोई भी लिप बाम नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने होंठों को नेचुरल तरीके से कैसे पिंकिश ग्लो दे सकते हैं। जहाँ पर यहाँ मैंने सबसे पहले एक बीट रूट लिया है, हमें बीट रूट को अच्छे से धो लेना है और एक स्लाइस चाहिए हमें यहाँ बीट रूट का एक छोटा सा स्लाइस लिया है। इसे मैं एक बाउल में रख रही हूँ। अब इसके ऊपर हम इसके ऊपर ही डाल रहे हैं एक विटामिन ई का कैप्सूल, ये ईवीएम 600 का है। विटामिन ई हमारे चेहरे, बालों के लिए, यहाँ तक के बालों के लिए, होंठों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर करता है। और इसके ऊपर ही मैं डालूंगी सिर्फ एक ड्रॉप ग्लिसरीन का, एक से दो ड्रॉप। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ग्लिसरीन यूज कर रही हूँ, आप जो चाहे वो ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं, मुझे ये ग्लिसरीन थोड़ी ज्यादा पसंद है। देखिए मैंने यहाँ पर दो तीन ड्रॉप लगभग ग्लिसरीन के डाल दिए हैं। अब हम इन दोनों को इस पर अच्छे से इस तरह लगा लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइड में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अंदर भी जाए ग्लिसरीन और विटामिन ई का कैप्सूल। जब तक हम पहले स्क्रबिंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि स्क्रब हम होठों पर नहीं करते हैं, ये गलत है। हमें स्क्रब होठों पे भी करने चाहिए, नहीं तो हमारे काले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रब के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी शहद। शहद में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारे चेहरे, होंठों के लिए, यहाँ तक के बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी ले रही हूँ, क्योंकि मैं चेहरे पर नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो इस स्क्रब को पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन भी हमारे चेहरे के लिए, होंठों के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, विटामिन सी होता है। होंठ अगर बहुत ही ज़्यादा काले हो गए हो तो लेमन बहुत ही अच्छा है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हनी ली है, इसमें मैं अब थोड़ी सी लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर। शक्कर में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा होती है, ये भी मॉइस्चर करती है, ये भी चेहरे, बालों और होंठों सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम यहाँ पर अब शक्कर लेंगे लास्ट में। मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर ले रही हूँ, आपके पास जो भी शुगर हो आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जो ये स्क्रब बनाया था होंठों के लिए, हम इससे अच्छे से स्क्रब करेंगे। मैं हाथ से कर रही हूं, आप चाहें तो ब्रश लेके भी कर सकते हैं, पर ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह अच्छे से स्क्रब करने पर हम होठों को धो लेंगे। मैंने होठों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये बीट रूट, इसके ऊपर विटामिन ई का कैप्सूल और ग्लिसरीन लगाई थी, इसे ऐसे लेंगे। चाहें तो इसे लिपस्टिक के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैमरा के सामने जैसे हो सका उतना किया है अप्लाई, पर आप अच्छे से अगर आईने में देख के अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा बहुत ही अच्छा इंस्टेंट लिप बाम है, आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। आराम से 8 दिनों तक चलेगा आपकी फ्रिज में।
इसे इसी तरह इसमें रखकर ढककर रख दें और रोज इसे अप्लाई करें। और अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।